लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम अकाउंट रिसीवेबल को दोस्तों बनाएंगे जो कि फुली ऑटोमेटिक हो। दोस्तों यहाँ पर हमने ये एक अकाउंट रिसीवेबल का शीट बनाया है। इसमें इनवाइस डेट है, इनवाइस नंबर है, कस्टमर नेम है, इनवाइस अमाउंट है, ड्यू डेट है, अमाउंट पेड आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने ओवर ड्यू डेट बनाया है, जिसमें दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत हमने यहाँ पर जो ओवर ड्यू डेट आ जाए, यानी यहाँ पर दोस्तों इन ओवर ड्यू डेट हमने 5 तारीख दिया था, तो उसको दोस्तों हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत बैकग्राउंड में दोस्तों रेड कलर दिया है। 6 तारीख, ये दोस्तों 25 जनवरी, ये 15 जनवरी, इस वजह से ये रेड आ रहा है, यानी ये ओवर ड्यू है। ऑलरेडी इनके ऊपर डेट ओवर ड्यू का डेट भी गुजर चुका है। तो ये दोस्तों आज के इस लेक्चर में बताएँगे जो कि फुली ऑटोमेटिक है। यहाँ पर जैसे दोस्तों मैं इसका डेट चेंज करूँ, फर्स्ट करें मैं इसको 12 कर दूं, तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं सीरियल नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, इनवाइस अमाउंट, ड्यू डेट, अमाउंट पेड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ओवर ड्यू डेट, सीरियल नंबर 1, 2 सेलेक्ट कर दे और यहाँ से ड्रे कर दे। इनवाइस डेट दोस्तों यहाँ पर पुट करें, पेक 10, 20, 21। सिंपली दोस्तों इसको ड्रे कर सकते हैं, या जो भी इनवाइस डेट हो वो आप मैनुअली पुट करें यहाँ पे 1 बाय 1। कंट्रोल शिफ्ट 3, डेट फॉर्मेट है, इनवाइस नंबर फर्स्ट करें 101, 102, इन दोनों को सिलेक्ट कर दे और यहाँ से ड्रे कर दे। कस्टमर नेम दोस्तों आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ए बी सी, 32,000, 12,000, 40,000, 50,000, 60,000, 61,000, 45,000। ड्यू डेट दोस्तों यहाँ पे पुट करें कि इन्होंने किस डेट को हमें पे करना है। फ़र्ज करें इन्होंने दोस्तों हमें पे करना है 12/12/2021, 15/12/21, 20/12/2021, 21 सेलेक्ट कर दे। कंट्रोल शिफ्ट 3, अमाउंट पे कितना पे किया फ़र्ज़ करें 10,000, 5,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 32,000, 31,000। आउटस्टैंडिंग बैलेंस दोस्तों कितना है, इक्वल टू इनवाइस अमाउंट माइनस अमाउंट पेड, डबल क्लिक करें, इनको सेलेक्ट कर दें, कामा, डिक्रीज डेसिमल, कामा, डिक्रीज डेसिमल। ओवर ड्यू डेट दोस्तों यहाँ पे पुट करें, फ़र्ज़ करें ये दोस्तों 12 दिसंबर है, तो हम चाहते हैं कि 1/1/2022, 5/1/2022, 2/1/2022, 8/1/20 सेलेक्ट कर दे। कंट्रोल शिफ्ट 3, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट 3,
अब दोस्तों यहाँ पर पहले इसकी मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ। आल बॉर्डर और फिर थिक बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर और फोन कलर बोल्ड कर दें, कंट्रोल एस। तो दोस्तों अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए, तो उसके क्या तरीके है, सेलेक्ट कर दें इक्वल टू, यहाँ दोस्तों कंडीशनल पहले सेलेक्ट कर दें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, मैनेज रोल, सॉरी फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रोल, यूज फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे दोस्तों फार्मूला पुट करते हैं, ऑलरेडी सेलेक्टेड इक्वल टू एंड इनटू, पहला सेल सेलेक्ट कर दें यानी I6, तो इसके जो डॉलर साइन है ये दोस्तों हटा दें, I6 लेस देन ग्रेटर देन का मकसद ये कि बराबर नहीं है, लेस देन ग्रेटर का मकसद ये कि बराबर नहीं है, दो दफ़ा डबल कोट, फिर दो दफ़ा डबल कोट कामा, फिर दोस्तों I6, ये दोस्तों लेस देन टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अगर जमा कर दे टुडे से तो जितने दिन ऐड कर सकते वो जमा कर, प्लस वो दिन लिखे, माइनस कर दे तो यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ -5, तो यहाँ दोस्तों 5 नहीं बल्कि इसको मैं 8 कर लेता हूँ, और ब्रैकेट क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ दोस्तों फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से फिल पे क्लिक करें, ये रेड कलर में देना चाहता हूँ, यहाँ फॉन्ट में वाइट दे कर दें और ओके कर दें, ओके कर दें। तो यहाँ दोस्तों अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, 1 जनवरी -2 डे, दोबारा दोस्तों चेक कर लेते हैं, मैनेज रोल में जाए, एडिट रोल कामा, यहाँ दोस्तों शीट आ रहा है, शीट को मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ओके कर दे, अप्लाई कर दे और ओके कर दे। तो दोस्तों ये यानी 19 जनवरी से जब 8 दिन कम कर दे तो ये आ रहा है इसकी उम्र। ये दोस्तों चूँकि थोड़ा सा मैंने उल्टा लगाया फार्मूला, मैं दोबारा कर लेता हूँ, पहले सेलेक्ट कर दे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एडिट रोल प्लस दोस्तों 5 कर दे और ओके कर दे, अप्लाई कर दे, तो फिर तो दोस्तों इसमें सारे आ रहे हैं। इसको दोस्तों मैं कर लेता हूँ 25/1/2022, तो ये दोस्तों नहीं आ रहा, ओवर ड्यू डेट ये नहीं आ रहा फर्स्ट, इसको मैं कर लेता हूँ 25/1/2022, 27/1/2022। तो जो रेट है दोस्तों इसका मकसद ये है कि ओवर ड्यू है, ऑलरेडी ओवर ड्यू है, टाइम गुजर चुका है, ये हमें अब हर सूरत में दे दें। यहाँ पर दोस्तों मैं ऊपर लिखता हूँ अकाउंट रिसीवेबल ओवर ड्यू एंड कंडीशनल सेलेक्ट कर दें और Ctrl+1 प्रेस करें, हमारे पास फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है, अलाइनमेंट पे क्लिक करें और यहाँ से जनरल की बजाय सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ओके कर दें, बोल्ड कर दें और यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे दें, कंट्रोल एस। तो ये दोस्तों ये ओवर ड्यूज़ आ रहे हैं, यानी जो 25 जनवरी उसमें अभी चंद दिन है ओवर ड्यू के लिए, ये जो रेट आ रहे हैं ये दोस्तों ओवर ड्यू हैं,
ये नैन में पता चलता है कि ओवरड्यू इश्तिहार सूरत में अब इससे वसूल करना लाजमी है। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आएगी, और आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाले बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पोस्ट करें। थैंक यू सो मच।